नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिकी शर्मा। आप देख रहे हैं टिप्स हेल्पर। आज हम आपको इस वीडियो बताने वाले हैं कि आप किसी भी त्यौहार की स्क्रिप्ट कैसे बनाएं और उसमें एडसन का एड कोड लगाकर पैसे कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपके पास एक जावास्क्रिप्ट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम अपनी स्क्रिप्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये रक्षाबंधन की ऐसी स्क्रिप्ट कुछ दिखाई देती है। ये देखिए दोस्तों, इसमें ऐड नहीं सो रहे क्योंकि ये एक सब डोनेम है, ये आप ऊपर देख रहे होंगे, और ऐड लाने के लिए एडिट करना पड़ेगा। ये देखिए, ये वाली स्क्रिप्ट है दोस्तों। इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि ये लिखी हुई है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इसे एडिट कर सकते हैं, दूसरा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद अपने कंप्यूटर में नोट पैड प्लस प्लस ओपन कर लेंगे। अगर नहीं है तो उसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जो हम फाइल स्क्रिप्ट यहाँ पर डाउनलोड करेंगे उसे हम ओपन कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, हम इसमें स्क्रिप्ट ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी वो स्क्रिप्ट आ चुकी है। अब आपको करना क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा एडसन कोड है, आपको भी यही पे रिस्पॉन्सिव एडसन कोड लगाना है। एक यहाँ पर कोड लगाना है, और दूसरा दोस्तों, अगर आप यहाँ पर कंट्रोल एफ दबाएंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। आपको इसमें क्या सर्च करना है, इसमें सर्च करना है एडसन सर्च कर देना है और फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अभी देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर दिखा देगा कि कौन कहाँ कहाँ एडसन के कोड लगाने हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, एक एडसन कोड यहाँ आपको यहाँ पे लगाना है, ये यहाँ पे लिखा भी है। यहाँ पे जो आप एडसन कोड लगाएंगे वो एडसन कोड 300x50 का होना चाहिए, मतलब कि दोस्तों उसकी चौड़ाई 300 होनी चाहिए और हाइट 50 EPS होनी चाहिए जो आप यहाँ पे एडसन कोड लगाएंगे। ऐसे ही दोस्तों, हम एक बार फिर कंट्रोल एफ फाइंड कर लेते हैं, फिर एडसन करते हैं। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, एक एड हमारे यहाँ पे लगेगा, एक एड हमारा यहाँ पे लगेगा। ये वाला जो एड हम लगाएंगे, ये रिस्पॉन्सिव एडसन कोड होना चाहिए। ये जो हम एडसन कोड लगाएंगे, ये रिस्पॉन्सिव एडसन कोड होना चाहिए दोस्तों। अब हम इसे लगाएंगे कैसे, तो चलिए दोस्तों, हम आपको अपने एडसन अकाउंट पे ले चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एडसन अकाउंट फुल्ली अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड हो रखा है। और ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये हमारा रिस्पॉन्सिव कोड है। ये देखिए दोस्तों, हमने पहले से ही बना रखा है, हम आपको एडिट करके दिखा देते हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये है हमारा रिस्पॉन्सिव एड जो हमने इस समय लगा रखा है। और दोस्तों, और ये है, ये वाला एडसन कोड हम दिखा देते हैं दोस्तों। ये भी एक और हमने रिस्पॉन्सिव कोड लगा रखा है, और जो इसके बाद वाला कोड है दोस्तों, जिसकी ये है जो दोस्तों, ये वाला कोड है, इसकी चौड़ाई 300 है और ऊंचाई 50 है, ये वाला हमें लगाना होगा वहां पर जो हमने अभी आपको बताया। लगाने के बाद आपको क्या कर देना है, जैसे कि दोस्तों, अभी हम आपको अपनी वेबसाइट पर ले चलते हैं, हमारी वेबसाइट अभी कैसे दिखाई देती है। ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारी वेबसाइट इस प्रकार से दिखाई देती है। ये देखिए दोस्तों, हमारी वेबसाइट पर एड भी शो हो रहे हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा URL है, इसे हम कॉपी कर लेंगे अपनी वेबसाइट का, आपकी जो है वो आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे, देखिए दोस्तों, हमें इस URL को अपनी स्क्रिप्ट में पेस्ट कर देना है दोस्तों। जैसे कि
अभी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी हम आपको यहाँ पे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे हम यही डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इस जगह आपको ये मिल जाएगी रक्षाबंधन का तोहफा। ये जो है, ये जो हमारी, ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, हमें ये जरूर डाल देना है। जब तक हम इसे नहीं डालेंगे, जब तक हमारी वेबसाइट पर एड तो नहीं होंगे दोस्तों, इसलिए हमें यहाँ पर ये इतना ही, इतनी ही जगह में डाल देना है बस, और हमें कुछ नहीं करना। कंट्रोल एस दबा के इसे सेव कर लेना है। अभी देखिए दोस्तों, हमारा ये सेव हो चुका है, सेव हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम इस पर ये कैसे लगाते हैं, ये देखिए दोस्तों। अब हमें करना क्या है, अब हमें इतना करने के बाद हमें अपने थीम्स में जाना है। थीम में जाने के बाद हमें इस पे आना है, क्लासिक थीम वापस लाए, इस पे हमें क्लिक कर देंगे। फिर हम इस पे एक बार और जाएंगे। फिर हमें क्या करना है दोस्तों, इसके आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपके में ये जो है नीला, ये वाला ऑप्शन, ये नीला होगा यहाँ पर, हमें इस नीले को ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद जो हमारा थीम था वो हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है, यू की यू हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। हमने ये पहले से ही पेस्ट कर रखा है दोस्तों। हम पेस्ट करने के बाद इस थीम को सेव कर देंगे, ये आप लाइव देख पा रहे होंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हमारा थीम जो है पूरी तरह से सेव हो चुका है। अब हम आपको अपनी वेबसाइट पर लेके चलते हैं, तो आपको हमारी वेबसाइट कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये हमारी वेबसाइट पर एड शो हो रहे हैं, जो हमने जावास्क्रिप्ट रक्षाबंधन की जो स्क्रिप्ट बनाई थी उसमें एड शो हो रहे हैं। ऐसे ही आप एड्स लगा के पैसे कमा सकते हैं, बट इसमें ये रहता है कि आपको जो स्क्रिप्ट आपने बनाई है उसे आपको वायरल कराना पड़ेगा। जितनी ज्यादा वायरल होगी आपकी ये स्क्रिप्ट, आप उतने ही ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही कुछ वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।